हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी ट्रांसमिशन लाइन को टोटल कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है या कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक लेंथ अपॉन लेमडा का जो रेशियो होता है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जब हम वेव ट्रेवलिंग पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे जो एल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और लेमडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव लेंथ। लेमडा रिप्रेजेंट कर रहा है वेव लेंथ, राइट। और हमने पढ़ा है कि लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है सी बाई एफ। यहां पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अब L by F रेशियो में, L by lambda के रेशियो में lambda की वैल्यू पुट करिए, lambda की वैल्यू है C by F, तो ये हो जाएगा lambda upon C by F या LF upon C। तो ये जो LF का प्रोडक्ट है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इनटू फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाई करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, हेडिंग डाल लीजिएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम उसे बोलते हैं जिसकी लेंथ, अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से कम है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो इसे हम बोलेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। बट लेंथ को छोड़ के एक और क्राइटेरिया होता है जो मैंने अभी आपको बताया, लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का क्राइटेरिया। तो लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे लेंथ इज लेस देन 180 है, तो लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, लेस देन 180 इनटू 50, फ्रीक्वेंसी है 50, तो LF का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा लेस देन 4000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन उस ट्रांसमिशन लाइन को बोलेंगे जिसकी लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट 4000 से कम आए। चलिए देखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को किस तरह से हम पहचानेंगे। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तो अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की जो फिजिकल लेंथ है वो 80 किलोमीटर से ज्यादा है और 200 किलोमीटर से कम है फॉर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यानी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो LF का जो प्रोडक्ट है बताइए क्या हो जाएगा, 80 इंटू 50 मतलब LF का प्रोडक्ट अगर 4000 से ज्यादा है और 1000 से, राइट, 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड से कम है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन को हम बोलेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब नेक्स्ट है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिसका लेंथ ज्यादा हो 200 किलोमीटर से और जो फ्रीक्वेंसी हो वो 50 हर्ट्ज हो, तो LF का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 200 इनटू 50, दैट इज 10,000। तो LF यानी कि लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है वो अगर 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा है तो उसे हम क्लासिफाई करेंगे अंडर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करिए, ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 50 किलोमीटर की हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रही है, राइट। तो आप इस ट्रांसमिशन लाइन को किस कैटेगरी के अंदर रखोगे, यानी कि ये शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग, किस में आएगा। तो चलिए देखते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो हम डिसाइड करेंगे लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के रेशियो से। लेंथ है हमारी 50 किलोमीटर, फ्रीक्वेंसी है 500, तो ये हमें मिल जाएगा 25000 किलोमीटर। इसका जो यूनिट है वो आप याद रखिएगा, या आता है किलोमीटर
पर सेकेंड, तो LF का जो प्रोडक्ट है वो 25,000 है, मतलब यहां पे जो LF का टर्म है वो ग्रेटर देन 10,000 है। तो अगर LF का प्रोडक्ट 10,000 से बड़ा होता है तो हम इसे रखते हैं अंडर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कैटेगरी। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कैटेगरी, राइट। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखा 50 किलोमीटर, ये तो 80 किलोमीटर से कम है, तुरंत शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप टिक लगा के आ जाओगे और वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा ट्राई करिए, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से वेरी कर रही है तो आप ट्राई करिए लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसमिशन लाइन को क्लासीफाई करना। तो चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को। तो हेडिंग डाल लीजिएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम हमेशा कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटेंस नेग्लेक्टेड, क्यों कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर नहीं होता, राइट? क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत है, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस होता है बट उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि हम हमेशा उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, XC क्या होता है, 1/ωCL। CL हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी जब कैपेसिटेंस निकाला था तो जो कैपेसिटेंस हमने किस में निकाला था, फेरेड पर मीटर में, याद करिए, राइट। तो एक मीटर का कैपेसिटेंस हमने निकाला था और हमारे पास L लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है, तो पूरे कैपेसिटेंस में अगर हम L का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो वही हमने C में L का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, करेक्ट। तो यहां से अगर आप देख सकते हो कि XC डॉट C इज इक्वल टू 1/ωL, तो या फिर इसे हम इस तरह से समझते हैं, अगर लेंथ की वैल्यू बहुत कम है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, एल की वैल्यू कम होती है तो एक्सी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और एक्सी पे ही कौन डिपेंड करता है, आईसी, दैट इज चार्जिंग करंट या कैपेसिटिव करंट। तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है तो कैपेसिटिव करंट क्या होगी, बहुत कम होगी, और ये कैपेसिटिव करंट कैपेसिटर की वजह से फ्लो होती है, तो कैपेसिटर की वजह से जो भी करंट फ्लो हो रही है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो हम कैपेसिटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमारे पास बच क्या रहा है, एक रेजिस्टेंस बच रहा है और एक इंडक्टेंस बच रहा है, तो R और ये L हमने बना दिया एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हो जाएगा VS, सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहां से हम वोल्टेज को भेज रहे हैं, यहां हमें मिल रहा है रिसीविंग एंड वोल्टेज, यहां से हम करंट भेज रहे हैं, कितना, सेंडिंग एंड करंट IS, यहाँ पे हमें मिल रहा है रिसीविंग एंड करंट IR, ये है रेजिस्टेंस, ये है JX, ये है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट डायग्राम। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में लम्ब्ड पैरामीटर्स यूज किए हैं, लम्ब्ड पैरामीटर R और X। तो देखिए दो टाइप के, दो तरह से हम इन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, पहला डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर दूसरा होता है लम्ब्ड पैरामीटर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में देखिए जैसे हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है और ये ट्रांसमिशन लाइन मान लेते हैं 100 किलोमीटर लंबी है, 100 किलोमीटर लंबी है ये ट्रांसमिशन लाइन। तो प्रैक्टिकली आप देखो तो अगर ये एंड ए है, ये एंड बी है, तो इस 100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के ए छोर से बी छोर तक अगर हम जाते हैं तो हर पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट, हर पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब हर पॉइंट के रेजिस्टेंस को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। बट आप इतने सारे रेजिस्टेंस अगर कंसीडर करोगे, अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो इनफाइनाइट पॉइंट होगा,
अब अगर हम हर पॉइंट का रेजिस्टेंस लेने बैठ जाएंगे तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मिलेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन नियरली इम्पॉसिबल, बहुत हैक्टिक हो जाएगा। इसीलिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि ए से बी पॉइंट तक में जितना भी टोटल रेजिस्टेंस है हम उसको एक जगह शो कर देते हैं, राइट। अगर हम हर पॉइंट का रेजिस्टेंस कंसिडर करने लग जाएं या हम पर मीटर का भी रेजिस्टेंस कंसिडर करने लग जाएं तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, मतलब रेजिस्टेंस को हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। जिसकी वजह से जो कैलकुलेशन है वो बहुत कठिन हो जाता है। बट हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो टोटल रेजिस्टेंस है हम उसको एक जगह शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से शो कर देते हैं। तो ये हो गया लंपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का पूरा रेजिस्टेंस हमने एक जगह शो कर दिया है, इसे बोलते हैं लंपिंग, और इस पैरामीटर को बोला जाता है लंप्ड पैरामीटर। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा लंप्ड पैरामीटर का यूज किया जाता है, बट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जब हम एनालिसिस करेंगे तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यूज करेंगे, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली लंप करके इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें एरर मिलेगा, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के साथ डील करते हैं। तो छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ, जो डिटेल एनालिसिस है वो कुछ देर में करते हैं। ये हो गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब बात करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तो देखिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस को इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों नहीं इग्नोर करेंगे, देख लीजिए, क्योंकि XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा CL, तो यहाँ पे लेंथ ज्यादा है तो XC कम होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम है तो चार्जिंग करंट या कैपेसिटिव करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पे कैपेसिटेंस को इग्नोर नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास दिक्कत यह है कि हमारे पास एक कैपेसिटेंस एक्स्ट्रा आ चुका है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, एक इंडक्टेंस था, तो हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटेंस भी हमें लगाना है, तो दिक्कत यह है कि उस कैपेसिटेंस को हम कहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए दो मॉडल बनाए गए हैं। पहला होता है रिसीविंग एंड सी मॉडल, रिसीविंग एंड सी मॉडल, यानी कि आपका जो कैपेसिटेंस शो कर रहे हो आप उसे रिसीविंग एंड साइड लगा दीजिए। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा इंडक्टेंस, ये तो हमारी हो गई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब हमें कैपेसिटेंस और शो करना है, तो रिसीविंग एंड साइड हमने कैपेसिटेंस को शो कर दिया, तो ये हो गया हमारा रिसीविंग एंड सी मॉडल, जो कि आता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में। यह है रिसीविंग एंड वोल्टेज, सॉरी यहां से हम सेंडिंग एंड वोल्टेज सेंड कर रहे हैं ना वोल्टेज, सो ये हो जाएगा वी एस। यहां पे हमें मिल रहा है रिसीविंग एंड वोल्टेज, दैट इज वी आर। यहां से हम सेंड कर रहे हैं करंट, जिसे हम बोल रहे हैं सेंडिंग एंड करंट। यहां पे हम करंट को रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीविंग एंड करंट। ये है रेजिस्टेंस, ये है जे एक्स, और हम यहाँ पे कैपेसिटेंस, हमने कैपेसिटर लगा दिया है, तो Z क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C या 1 अपॉन J ओमेगा C, तो Y क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे एडमिटेंस से शो करते हैं। Y क्या हो जाता है कैपेसिटर का, J ओमेगा C। यहाँ पे R, L एंड C आर लम्प्ड, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दोनों लम्प्ड हैं। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में एक ये मॉडल हमारे पास है। दूसरा मॉडल क्या हमें प्रपोज किया गया है, सेंडिंग एंड सी मॉडल, मतलब दूसरे में बोला गया कि आपका जो कैपेसिटर है उसे सेंडिंग एंड साइड लगा दीजिए। सो सेंडिंग एंड सी मॉडल, तो इस कैपेसिटर को जो ऊपर हमने रिसीविंग एंड साइड लगाया है उसको उठा के सेंडिंग एंड साइड लगा दीजिए। इस कैपेसिटर को हमने यहां पे लगा दिया। अब ये क्या हो गया हमारा सेंडिंग एंड सी मॉडल।
यहाँ से हम सेंडिंग एंड वोल्टेज हमारा है, यहाँ पे उसी वोल्टेज को रिसीव किया जा रहा है, ये करंट है रिसीविंग करंट, ये करंट है सेंडिंग करंट, y इज इक्वल टू जे ओमेगा सी, ये है रेजिस्टेंस, ये है जे एक्सएस, करेक्ट। अब यहां पे भी हम लंपिंग पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर यूज नहीं करेंगे। तो लंपिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लंपिंग तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास 100 किलोमीटर की लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो हम हर पॉइंट का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये स्टार्टिंग पॉइंट बी है तो ए से बी तक हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हमने सिर्फ एक जगह शो कर दिया है। बट लंपिंग में क्या होता है कि हर पॉइंट का ना लेके हम एक सेक्शन का लेते हैं, आप मान लीजिए पर मीटर का ले लीजिए, तो हमारे पास देख लीजिए कितने सेक्शन हो गए, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, हर सेक्शन का रेजिस्टेंस हमें कंसीडर करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में, राइट। तो अगर बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो ए से बी तक हम अप्रोक्सीमेटेड लंपिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें आंसर में क्या आ जाता है, एरर। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है लंपिंग का, तो हम चाहते हैं कि अगर एरर ना आए, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन में भी एरर ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं, उस 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को इनफाइनाइट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस मिलता है, अब हर पॉइंट का रेजिस्टेंस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे फिर टोटल रेजिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं कि उसे एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में, राइट। सो दिस मॉडल इज इम्पॉसिबल, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस नहीं ले सकते, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे दो सेक्शन लेके देखते हैं, राइट। लेट अस डिवाइड द ट्रांसमिशन लाइन इनटू टू सेक्शन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शन तो हम ले नहीं सकते, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, लेट अस डिवाइड द ट्रांसमिशन लाइन इनटू टू सेक्शन। तो अगर हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड करें तो जो रेजिस्टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, R by 2, जो इंडक्टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, L by 2, जो कैपेसिटेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, C by 2, और ये R by 2, L by 2, C by 2 क्या है, ईच सेक्शन पैरामीटर, Each section parameter, हर section के parameter R by 2, R by 2, R by 2, L by 2 और C by 2 हैं, और ऐसे हमारे पास दो section हैं। तो किसी भी transmission line को दो part में divide करने के बाद फिर से दो model suggest किए गए हैं, तो हमारे पास third model कौन सा है, पहला क्या हमने पढ़ा था, receiving end C model, sending end C model, तीसरा क्या है, nominal D model। नॉमिनल टी मॉडल में क्या करते हैं, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस, ये हमारे पास क्या बन गया, सेंडिंग एंड सॉरी रिसीविंग एंड सी मॉडल, राइट। अब एक सेंडिंग एंड सी मॉडल को और कैस्केड करके हम नॉमिनल टी मॉडल पा सकते हैं, तो एक हमारे पास सेंडिंग एंड सी मॉडल बना लेते हैं, ये सेंडिंग एंड सी मॉडल है, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ये हो गया, यहां से हम वोल्टेज सेंड कर रहे हैं, ये सेंडिंग एंड साइड है, ये रिसीविंग एंड साइड है, हर सेक्शन को R by 2, L by 2 और C by 2 में हमने डिवाइड कर दिया है,
तो ये भी हो जाएगा सी बाई टू, आर बाई टू, एल बाई टू। अब इन दो सेक्शन को अगर हम कैस्केड कर देते हैं तो हमें ये मॉडल मिल जाता है। अब देखिए सी बाई टू और सी बाई टू दो कैपेसिटेंस कैसे हैं पैरेलल में, तो ये ऐड हो जाएंगे तो हमें एक मॉडल मिल जाता है आर बाई टू एल बाई टू, आर बाई टू एल बाई टू और सी बाई टू प्लस सी बाई टू, हमें क्या मिल जाएगा सी आर बाई टू एल बाई टू सी आर बाई टू एल बाई टू। तो ये इस तरह से हमें मिलता है एल मॉडल, मतलब एक सेंडिंग एंड कैपेसिटर मॉडल और एक रिसीविंग एंड कैपेसिटर मॉडल को अगर हम कैस्केड कर देते हैं तो हमें नॉमिनल टी मॉडल मिल जाता है। ये है नॉमिनल टी मॉडल। अब आप मुझे बताइए इसे नॉमिनल टी मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टी का शेप बन रहा है, इसके जो पैरामीटर्स हैं इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये हमें टी शेप में दिख रहा है, इसीलिए इसे टी मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट है चौथा जो मॉडल है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो है नॉमिनल पाई मॉडल। नॉमिनल पाई मॉडल, नॉमिनल पाई मॉडल कैसे बनता है, हम एक सेंडिंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल यूज कर रहे हैं, ये सेंडिंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल, और दूसरा हम यूज कर रहे हैं रिसीविंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल। दोनों को अगर हम कैस्केड कर देते हैं, अगर इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो देखते हैं क्या मिलता है हमें, यह C by 2, L by 2, R by 2, R by 2, L by 2, C by 2। ध्यान से देखिए ये L by 2, R by 2, L by 2, R by 2 क्या है, सीरीज में है, तो ये ऐड हो जाएंगे तो हमें एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टेंस कुछ इस तरह का मॉडल हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C, ये है R, सॉरी ये C by 2 ही रहेगा, C क्यों होगा, करेक्ट। तो ये मॉडल जो हमें मिला है हम इसे बोलते हैं पाई मॉडल। ये पाई मॉडल हम क्यों बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पाई शेप का बन रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉमिनल पाई मॉडल, राइट। तो इसे पढ़ने से पहले और आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करना चाहते हैं जिसका नाम है एबीसीडी पैरामीटर, क्योंकि एबीसीडी पैरामीटर को यूज करके ही हम ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करते हैं। सो एबीसीडी पैरामीटर्स, सो पहला पॉइंट है एबीसीडी पैरामीटर्स are used for modeling of transmission line. Modeling of transmission line. तो ABCD parameters का जो equation है वो क्या बनता है? VS is equal to AVR plus BIR. IS is equal to CVR plus DIR. अगर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो क्या मिल जाएगा? VS, IS, ABCD, पैरामीटर्स ABCD, और यहां से हमें मिल जाएगा VR, IR. जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो आपको पहला और दूसरा इक्वेशन मिलेगा, राइट? टू पोर्ट नेटवर्क का मॉडल कैसा बनता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए? ये एबीसीडी पैरामीटर है, यहां है हमारा रिसीविंग एंड और ये है हमारा सेंडिंग एंड का पोर्ट। ये है वीएस,
यहां से जा रहा है सेंडिंग एंड करंट आई एस, ए बी सी डी, ये है आई आर, ये है वी आर, राइट। तो जो जो हमने नेटवर्क में पढ़ा है टू पोर्ट नेटवर्क, उसमें आपने ध्यान दिया होगा इस प्लस की जगह क्या था, माइनस। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां पे जो रिसीविंग एंड की करंट है हमने इस डायरेक्शन में ली हुई थी, बट यहाँ पे रिसीविंग एंड की करंट क्या है, लोड की तरफ जा रही है, इसीलिए यहाँ पे हमने प्लस लिया हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास अब दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, करेक्ट। यहाँ पे आप देख लीजिए रिसीविंग एंड जो पैरामीटर्स हैं या रिसीविंग एंड के जो पैरामीटर्स हैं वी आर आई आर, वो हैं इंडिपेंडेंट, और सेंडिंग एंड पैरामीटर्स दैट इज वी एस आई एस क्या है, डिपेंडेंट। क्योंकि वी एस आई एस की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वी आर और आई आर पे। मतलब वी आर या आई आर की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा वी एस और आई एस चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए नाउ हाउ टू फाइंड ए बी सी डी पैरामीटर। सो केस वन हम लिखते हैं, ए बी सी डी पैरामीटर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो केस वन, ओपन सर्किट द रिसीविंग एंड, ओपन सर्किट द रिसीविंग एंड। अगर हम रिसीविंग एंड को ओपन कर देते हैं तो रिसीविंग एंड करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। और रिसीविंग एंड करंट अगर जीरो हो गई, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा, आई आर की वैल्यू जीरो हो गई, तो वी एस इज इक्वल टू ए बी आर। इक्वेशन फर्स्ट चेक करिए तो यहां से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वी एस अपॉन वी आर, कंडीशन क्या है, आई आर की वैल्यू जीरो। चलिए अब हम जानते हैं ए का नाम क्या है, हमें ए कितना मिला है, वी एस अपॉन वी आर अपॉन कंडीशन क्या है, आई आर इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी ए की वैल्यू है। तब मुझे बताइए ए का नाम क्या है, ए को क्या बोला जाता है, ए को हम बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन तो समझ में आता है, रिवर्स वोल्टेज गेन क्या होता है, तो देखिए वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। हमारे केस में जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज है सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो वी आर अपॉन वी एस हो जाएगा वोल्टेज गेन। बट यहां पे क्या है, वी एस अपॉन वी आर रिवर्स है, तो हम इसे बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। चलिए रिसीविंग एंड अगर हमने ओपन किया है तो आई आर की वैल्यू जीरो है, सेकेंड इक्वेशन चेक करिए, सेकेंड इक्वेशन से आई एस की वैल्यू क्या है, सी वी आर प्लस डी आई आर, आई आर की वैल्यू जीरो करिए, हमें आई एस कितना मिल जाएगा, सी वी आर या सी इज इक्वल टू आई एस अपॉन वी आर, कंडीशन क्या है, आई आर की वैल्यू है जीरो। अब आई एस अपॉन वी आर क्या है, या सी को हम क्या बोलते हैं, जैसे ए को हम बोलते थे रिवर्स वोल्टेज गेन, सेम उसी तरह से सी को हम क्या बोलेंगे, सी को बोलेंगे ट्रांसफर एडमिटेंस, अब एडमिटेंस तो आता है समझ में, ट्रांसफर एडमिटेंस हमने क्यों बोला हुआ है, क्योंकि आप देखिए सेंडिंग एंड की करंट है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज है, राइट। या तो दोनों सेंडिंग एंड का हो तो एडमिटेंस, या दोनों रिसीविंग एंड का हो तो एडमिटेंस हम बोलेंगे, बट करंट सेंडिंग एंड तरफ की है, वोल्टेज रिसीविंग एंड का है, इसीलिए हमने ट्रांसफर वर्ड को यूज कर दिया है। चलिए ये तो पहला केस हमने देखा जहां से हमें ए और सी की वैल्यू मिली, पहला केस क्या था, ओपन सर्किट द रिसीविंग एंड। दूसरे केस पे चलते हैं, केस टू, दूसरा केस है शॉर्ट सर्किट द रिसीविंग एंड।
शॉर्ट सर्किट द रिसीविंग एंड। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। अब जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे रिसीविंग एंड पैरामीटर को, या सॉरी रिसीविंग एंड को जब हम शॉर्ट करेंगे तो रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। और जब वी आर की वैल्यू जीरो हो गई तो अब मुझे बताइए हमें वी एस क्या मिल जाएगा। अगर हम इसे इक्वेशन, यही हमारा तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन थे, वी आर इज इक्वल टू जीरो के लिए हमें मिल जाएगा वी एस इज इक्वल टू बी आई आर, या बी इज इक्वल टू वी एस अपॉन आई आर। कंडीशन क्या थी, वी आर इज इक्वल टू जीरो, ये थी कंडीशन। अब मुझे बताइए कि वी एस अपॉन आई आर दैट इज बी को क्या बोलेंगे। बी को बोला जाता है ट्रांसफर इंपीडेंस, इंपीडेंस हमें समझ में आ रहा है, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो है, इसलिए बस ट्रांसफर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि वोल्टेज हमारा सेंडिंग एंड का है, करंट रिसीविंग एंड की है, या तो दोनों वोल्टेज भी और करंट भी दोनों रिसीविंग एंड के होते या दोनों सेंडिंग एंड के होते तब हम सिर्फ इंपीडेंस बोलते, बट यहाँ पे वोल्टेज सेंडिंग एंड का है, करंट रिसीविंग एंड की है, इसीलिए हमने ट्रांसफर लगाया हुआ है। चलिए वी आर इज इक्वल टू जीरो रखते हैं इक्वेशन सेकेंड में, यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा आई एस इज इक्वल टू डी आई आर, तो डी कितना हो जाएगा आई एस अपॉन आई आर, ये हमें क्या मिल गया, कंडीशन क्या है वी आर इज इक्वल टू जीरो। तो डी को क्या बुलाएंगे, डी को हम बुलाएंगे करंट गेन, डी हमारा हो गया करंट गेन। और क्या ये सही है करंट गेन, गलत है, रिवर्स करंट गेन, राइट। रिवर्स हमने क्यों लगाया, क्योंकि करंट जो है वो सेंडिंग एंड की है, और एक करंट सेंडिंग एंड की है, एक करंट रिसीविंग एंड की है, राइट। इसीलिए हमने एक पैरामीटर सेंडिंग एंड का है, एक पैरामीटर रिसीविंग एंड का, इसीलिए हमने रिवर्स लगा दिया है, करेक्ट। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि फाइंड इनपुट इंपीडेंस, फाइंड इनपुट इंपीडेंस ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, राइट। रिसीविंग एंड को जब हमने शॉर्ट कर दिया तो सेंडिंग एंड का जो इंपीडेंस है वो कितना होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट का हमारा इंपीडेंस है, तो Z शॉर्ट सर्किट, और इंपीडेंस क्या होता है वोल्टेज अपॉन करंट, और हम सेंडिंग एंड की बात कर रहे हैं इसीलिए वी एस अपॉन आई एस, करेक्ट। चलिए अब एक चीज मुझे बताइए, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर, यही तो दो इक्वेशन है हमारी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कौन सा, रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड को हमने शॉर्ट कर दिया तो, और इनको डिवाइड कर दीजिए, तो जब हमने रिसीविंग एंड को शॉर्ट किया तो वी आर जीरो हो जाएगा, तो ये हट गया, आई आर से आई आर कैंसिल आउट, सो वी एस अपॉन आई एस हमें क्या मिल गया, बी अपॉन डी। तो जेड एस सी को हम लिख सकते हैं बी अपॉन डी, करेक्ट। ये हो गया शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस। अब हम निकाल लेते हैं ओपन सर्किट इंपीडेंस, ओपन सर्किट जब हम रिसीविंग एंड को ओपन कर देंगे, तो फॉर्मूला एक बार चेक करते हैं, या डायरेक्ट मैं आप फॉर्मूले से डिवाइड कर देता हूं। हमने शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस को निकाल लिया, नाउ हाउ टू फाइंड ओपन सर्किट
इंपीडेंस। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। इसको हम कर देते हैं डिवाइड। अब यहां पे ओपन सर्किट इंपीडेंस बोला जा रहा है, तो ओपन सर्किट हम किसे कर रहे हैं, रिसीविंग एंड को। जब हम रिसीविंग एंड को ओपन करेंगे तो रिसीविंग एंड करंट हो जाएगी जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, ये वाले टर्म हट गए, तो वी आर से वी आर कैंसिल आउट, वी एस अपॉन आई एस हमें कितना मिल गया, ए बाई सी। वी एस हमें मिल गया ए बाई सी, और ये कौन सा इंपीडेंस हो जाएगा, जेड ओ सी। तो जेड ओ सी हमें कितना मिल गया, ए बाई सी। अब ऊपर चेक करिए, Z शॉर्ट सर्किट हमें कितना मिला था, B अपॉन D, Z ओपन सर्किट हमें कितना मिला, A अपॉन C, याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है। What is characteristic impedance? तो characteristic impedance जब हम wave traveling पढ़ेंगे तो उसमें detail में देखेंगे, but अभी देखते हैं characteristic impedance को हम ZC से represent करते हैं, correct? ZC क्या होता है? Geometric mean of open circuit and short circuit impedance. Geometric mean of open circuit एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस, यानी कि जेड सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट जेड ओ सी जेड एस सी। और हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है कि जेड ओ सी क्या हो जाएगा, ए बाई सी, जेड एस सी क्या हो जाएगा, बी अपॉन डी। आप चेक कर सकते हो ZOC is equal to A upon C, ZSC is equal to B upon D, ये हमने निकाल के रखा हुआ है। वैल्यू पुट कर दीजिए सीधे, तो ZC क्या आ जाएगा, ZOC है A upon C, ZSC है B upon D। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हम यहां से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन सी डी, राइट। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का फॉर्मूला। तो अब एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बोलते किसे हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ट्रेवलिंग वेव वाला पार्ट आएगा, बट अभी देख लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का वो इंपीडेंस होता है जब हमें कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं मिलती। मतलब एक कोई भी वेव है जो सेंडिंग एंड से गई है, रिसीविंग एंड से टकराने के बाद वो वापस आती है, तो जब ये रिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में हमें जीरो रिफ्लेक्शन मिले, उस समय जो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस है उसी को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। तो अभी तक के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा ट्रांसमिशन लाइन का, उसमें हम देखेंगे सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, राइट। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच।